किसान मित्रों नमस्कार, मैं दिग्विजय कुमार पटेल अपने YouTube चैनल दिग्विजय पटेल 9635 पे आप सभी किसान मित्रों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों को दूध डेयरी के बारे में बताने जा रहा हूं और भैया हमारे वो कैसे स्टार्ट किए हैं, क्या क्या समस्याएं आई, कैसे किए हैं, कितने सालों से कर रहे हैं और क्या क्या प्रोडक्ट है, क्या शुद्धता है, कैसे है, उन्हीं से हम पूरा विस्तार से बताते हैं और आपसे उनका परिचय भी बताते हैं। तो आइए चलते हैं देर न करते हुए। तो भैया आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं डॉक्टर बाल गोविंद पटेल प्राथमिक पशु चिकित्सक इसी गांव का निवासी हूं। आप जहां आए हैं एक गांव बलापुर है और हम ग्रामीण अंचल में रहते हैं। पढ़ने लिखने के बाद हमें लगा कि आजकल जो है नौकरी बड़ी समस्या है। हम सब लोग नौकरी में फिर प्रयास किए, नौकरी किए, संविदा पर किए, करने के बाद इस्तीफा दे दिए। विचार बना बिजनेस किया जाए जिसमें हम सब लोगों का परिवार, हम सब जो है अच्छे ढंग से बिजनेस चलाएं और चलें और गांव वालों को भी कुछ लाभ मिले। गांव में जो पब्लिक रहती है, खासकर किसान रहते हैं, किसानों को लाभ मिले, इसीलिए ये सब सोच करके कार्यक्रम चलाया गया। और हमारा ये बिजनेस का कार्यक्रम गोविंद डेयरी उद्योग के नाम से है, रजिस्टर्ड है। हम सब गांव में किसानों का दूध लेते हैं, उनके दूध से अपना कुछ डेयरी प्रोडक्ट बनाते हैं। वो प्रोडक्ट हमारे हैं, पनीर है, खोवा है, दही है, घी है, मक्खन है, क्रीम है, ये सब काम यहाँ किया जाता है। बड़े सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और इस प्रोडक्ट को बना करके हम खासकर यहाँ भी सप्लाई करते हैं और शहर में सप्लाई करते हैं। उसके लिए हमारे छोटे भाई हैं वो भी इसी बिजनेस में लगे हैं। ग्रेजुएशन की योग्यता लेने के बाद भी उन्होंने कहने का मतलब है कि मतलब पूरा घर इसी में आप लोग? हाँ, इसी घर, मतलब सारे घर। तो अच्छा ये बताइए, अभी तो इतना तो आपने बता दिया वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप स्टार्टिंग जब किए हैं तो कुछ समस्याएं आई थी कि नहीं आई थी या कैसे क्या हुआ? समस्याएं तो बहुत आई थी जी। हमने अपना बिजनेस जो है सन 2005 में स्टार्ट किया जी। अगर आपको बताया जाए तो ये बिजनेस हमने लोग प्लस में स्टार्ट करते हैं, किंतु हमने माइनस में स्टार्ट किया जी। माइनस में कैसे आप स्टार्ट किए, कहने का मतलब? माइनस में इसलिए स्टार्ट किया कि हमारे पास इसको स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा नहीं था जी। जी जी, पैसा हमने किसी से लेकर के स्टार्ट किया जी, इसलिए आपको बता रहे हैं बिजनेस हमने माइनस में स्टार्ट किया। नहीं, वो तो माइनस नहीं है, ठीक है आप लेके ही करेंगे, लेकिन क्या आप स्टार्टिंग ही माइनस से किए हैं, घाटे से? मतलब आप जब स्टार्ट किए थे क्या आपको घाटा लगा? बिजनेस स्टार्ट करने में पता है माइनस, समय से स्टार्ट किया, बिजनेस में माइनस नहीं हुआ। कहने का मतलब आपने ऋण समझिए, ऋण लेकर के स्टार्ट किया जी। उसके बाद हम गांव वालों का, किसानों से मिले जी। किसानों जो खासकर किसान दूध उत्पादक थे, पशु पालते हैं, उनसे दूध ले करके जो है हमने गवर्नमेंट को भी सप्लाई दिया था, उनकी भी संस्थाएं चला रहे थे, उसमें काफी विसंगतियां थी इसलिए उसको बंद कर दिए। उसके बाद हमने अपना सेल्फ व्यवसाय चालू किया जी। और उसी रास्ते पर चल रहे हैं, कर रहे हैं। अपने यहाँ जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं बता चुके हैं जी। किंतु हम लोग ध्यान देते हैं कि जो प्रोडक्ट बनाया जाए उसमें शुद्धता हो, बिल्कुल बिल्कुल टेस्ट हो जी, मिलावट ना हो किसी प्रकार की, क्योंकि ये इंसान के खाने वाला प्रोडक्ट है, इंसान इसको खाते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित है, अगर संबंधित हो अच्छे स्वास्थ्य के लिए। और दूध ऐसा है कि एक ऐसा प्रोडक्ट है, मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है जो है, इसको मल्टीपर्पज भी है, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इसका सेवन करते हैं, सभी लोग सेवन करते हैं जो है। तो इस प्रकार से हम लोग काम करते हैं। और इस क्षेत्र में जो हमारे ग्राहक हैं, मांग चलिए कि इस लोकल में 80% ग्राहक हम पर विश्वास करते हैं,
हमने उनका दिल जीता है जी। हमने उनका दिल जीता है जी जी। वो हम पर विश्वास करते हैं जी जी। विश्वास इसलिए करते हैं कि उनको प्रोडक्ट बढ़िया मिलता है, अच्छा मिलता है, वाजिब रेट मिलता है। कहने का मतलब किसान आपसे संतुष्ट क्यों है? आप रेट अच्छा देते हैं या फिर समय पे पैसा देते हैं, क्यों वो आपसे खुश है? देखो जो ग्राहक आते हैं जी, उनको तो भी सहूलियत हम देते हैं, अच्छा माल देते हैं, उचित रेट देते हैं। की बात नहीं है जी, जी। आप बात कर रहे हैं किसान की, किसान की बात है। किसान जो है वो सहूलियत समझते हैं कि उनको समय से पैसा मिल जाता है जी। इसलिए किसान दूध बेचता है तो पैसे के वास्ते बेचता है, बिल्कुल सही है। वही चीज़ उसको पैसा चाहिए, उचित पैसा चाहिए जी, सही समय पे चाहिए जी। किसान को सही समय पे पैसा मिल जाता है इसलिए हमसे जुड़ा है जो है। तो देर ना करते हुए भैया लोग, ये लोग अपना लेके आते हैं माल, भैया लोग से भी बात कर लेते हैं। बाकी आप अपना जो अंदर बना रहे हैं उसका भी थोड़ा विस्तार से बता दें, दिखाते हैं आप पहले। आप हमारे किसान हैं कुछ जी? भैया आप अपना नाम बताइए जी। भैया पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब कम से कम हमको आज बहुत खुशी मिल रही है कि इस ग्रामीण क्षेत्र में चल करके आए और हम लोगों को आप अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं, ये बहुत अच्छा लगा। तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ हृदय की गहराइयों से। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ ये डेयरी जो है पूरे, हम ये नहीं कहेंगे कि इस क्षेत्र के, पूरे मानदाता ब्लॉक की नंबर एक की डेयरी है और इसका संचालन आदरणीय बाल गोविंद जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और चाहे किसान हो और या चाहे वैसे भी जो ग्राहक आते हैं, बड़े सम्मान पूर्वक जो है आपके जो जो भी प्रोडक्ट अभी बताया जो है कि जैसे जो है पनीर है या खोआ है, जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते बड़े ही शुद्धता से, आप अभी देखेंगे तो जो भी एक भी मक्खियों को अंदर आने में जो है कहीं से उनको ये नहीं है कि रास्ते है कि वो आ सकते हैं, सब शीशा पैक है पूरी तरीके से। और जो भी दूध लेकर के आता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि डॉक्टर साहब के जो साफ सफाइयां देख करके बहुत अच्छा लगता है निश्चित रूप से। और यहाँ तक कि महिलाएं जो आती हैं तो वो भी कुछ देर यहाँ के जो बाटिका है और सारी चीजें जो है देख करके बहुत ही अच्छा लगता है, उनको खुश होते हैं। और साथ साथ उनको जो है पैसे के जो है पैसे तुरंत जो है हफ्ते हफ्ते में मिलते रहते हैं, कहीं कोई इटबट नहीं है। और कहीं भी कभी भी कोई भी ग्राहक ये नहीं कह पाया कि हमारा पैसा रोका गया या इस प्रकार का अभाव दिखता है, बहुत अच्छा संचालन हो रहा है। भैया के यहाँ आने के बाद कोई दिक्कत आपको नहीं? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा पूरे क्षेत्र में चल, हम तो जुड़े हैं लगभग मान के चलिए 10 साल या 15 साल से जुड़े हैं पूरी तरीके से, है ना जी 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 बिल्कुल। ठीक है, अच्छी बात है भाई साहब। जी जी, आप भी बताइए थोड़ा, हमारे चैनल स्वागत है आपका। जी भैया आपको बहुत बहुत स्वागत है। भैया जी का जो ये डेयरी फर्म है, ये शुद्धता और जो कस्टमर आते हैं उनका समय से पैसा देना, उनका दूध का जो है जो मूल्यांकित जो भी दूध उनका जो भी उनके साथ जो भी व्यवहार है वो सब कुशलता से करना और उनका सही समय पर पैसा देना और उनके माप तौल में कहीं इधर उधर नहीं करना, जो जिसका है वाजिब रेट देना। और जहाँ तक भैया के प्रोडक्ट की बात है तो इनके प्रोडक्ट में जो सबसे बड़ी बात है वो शुद्धता है और सफाई है। शुद्धता और सफाई सबसे अच्छा है। और जो भी इनके यहाँ प्रोडक्ट है भैया जी के यहाँ, खोया हो गया, पनीर हो गया, दही हो गया है, क्रीम हो गया, और जैसा कि भैया ने बताया था अभी डॉक्टर साहब ने, इनका रेट वाजिब है, आप कहीं से भी इनका रेट कम ही है और अच्छा है। ठीक है भैया जी से सारे कस्टमर जो भी ज्यादा से ज्यादा लोग हैं संतुष्ट हैं और इनके यहाँ साफ सफाई की विशेष व्यवस्था है जी। भैया आप भी हमारे चैनल में स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। हम इस, आप अपना परिचय बता दीजिए। हमारा नाम हरिगोविंद पटेल है जी जी। और हम इस डेयरी के एक जो है मालिक है उनके छोटे भाई हैं जी जी। और इस डेयरी के साथ लग करके काम करते हैं जी जी। और हमारे यहाँ जो भी कस्टमर आते हैं उनको सही समय पे पैसे देना और पैसा और दूध का उचित रेट देना, ऐसा नहीं है कि घरतौली हो या कम रेट हो। किसान चाहे हमारे यहाँ छोटा सा बच्चा है चाहे बड़ा सा बुजुर्ग है, किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता कि उसको लगे कि हम बच्चे हैं इसलिए हमारे साथ कि हमारे साथ कमी की गई कि हम बच्चा समझ करके हमें कम पैसा दिया गया या गलत तरीके से हमारा दूध मापा गया। हाँ, मशीन के मानक के हिसाब से आपको सारे भी कस्टमर हमारे यहाँ से प्रसन्न होकर के ही जाते हैं।
धन्यवाद। तो देर ना करते हुए फिर भैया थोड़ा आप अपना दिखा दीजिए, पनीर वगैरह जो भी आप है दो चीज आप दिखा दीजिए, बाकी तो। और पहले आप अपना मोबाइल नंबर आप बता दीजिए, क्योंकि मेन तो मोबाइल नंबर होता है, तो मोबाइल नंबर से आप डायरेक्ट आपसे संपर्क कर सकते हैं जो भी लेना चाहता है, व्यापारी हो या शादी विवाह की पार्टी हो, तो भैया से उचित रेट पे आपको मिल जाएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9005145582, और दो नंबर हैं जी, हमारे भाई के पास रहते हैं, इस नंबर फिर नंबर पर आप संपर्क करके भी अपना सामान सही समय पर ऑर्डर कर सकते हैं और ले सकते हैं। किसी भी समय जो है आप फोन से संपर्क कर सकते हैं। आप नंबर ले लीजिए, दूसरा नंबर आप भैया अपना नंबर दूसरा बता दीजिए। सर हमारा नंबर है 9198792851। और हम एक चीज ये भी बताना चाहते हैं, अगर आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यदि हमारे पास कोई भी कस्टमर आता है तो उसको हम एक विशेष सहूलियत देने की कृपा करेंगे। तो भैया लोगों का ये नंबर है दोनों भाइयों का, तो जो भी किसान हो या व्यापारी हो या जिसको छोटी पार्टी बड़ी पार्टी या घर के वास्ते जो भी है, तो वो आ सकता है भैया से ले सकता है। जो हमारे चैनल के माध्यम से आएगा, हमारा चैनल दिग्विजय पटेल 9635 के माध्यम से जो आएगा, भैया लोग उसकी कुछ ना कुछ जरूर मदद करेंगे, सहायता देंगे। तो चलते हैं अंदर अपना देखते हैं थोड़ा। आएगा दूध डेयरी का कारखाना, और भैया यहाँ स्टार्टिंग से आपका ये प्रोसेस क्या है? ये हमारा जो है BMC है, जिसे कहते हैं बल्क मिल्क कूलर। इसमें दूध हम किसानों का लेते हैं, तो दूध की सेफ्टी के लिए, दूध की अच्छी क्वालिटी बने रहे, दूध की गुणवत्ता बनी रहे, दूध की लॉन्ग लाइफ हो, लंबे लंबे समय तक दूध जो है तरोताजा बना रहे, बढ़िया उसकी क्वालिटी अच्छी रहे, इसलिए दूध को खरीद करके किसानों का पहले इसमें हम रखते हैं, स्टोरेज करते हैं, इसमें ठंडा करते हैं दूध को, ताकि लंबे समय तक दूध हमारा सुरक्षित रहे। उसके बाद जो है ये हमारी मशीन जो है दूध को ठंडा करती है, इसी में दोनों है, इसी में मतलब ठंडा भी अच्छा लगा होगा, इसमें ठंडा करते हैं। उसके बाद दूध, सारा दूध हम इकट्ठा करके इसमें से दूध निकाल करके जो है अपना हम दूध का प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब जितना जरूरत होता है आप निकाल लेते होंगे। हाँ, जितना जरूरत होती है तो निकालते हैं। उसके बाद दूध हमारा सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है, बढ़िया रहता है, उसकी अच्छी क्वालिटी भी रहती है। तो हमारा इस प्रकार से लंबे समय तक प्रोडक्ट बनाने का जो कार्यक्रम होता है चलता रहता है। कहने का मतलब इसमें नहीं होती है जी, खराब भी नहीं होगा आपका, और जब भी जरूरत है, जैसी जरूरत है आप ले सकते हैं ना। हाँ, जिसका मतलब जो जो आइटम है बनाना हो जी, उसको हम, दूध हमारा सेफ है, सुरक्षित है, निकाल करके प्रोडक्ट बनाते रहते हैं। जो है जैसे ऑर्डर आता है, तो उसके ऑर्डर आने पर अगर लेट ऑर्डर आया, तभी हमारे पास कच्चा दूध है, हम इसका प्रोडक्ट बना करके विषम परिस्थितियों में अपने जो कस्टमर है उनको उपलब्ध करा देते हैं, मतलब ताजा बना के देते हैं ना, मतलब ताजा, बिल्कुल हम ताजा ताजा आइटम बना के बेचते हैं और ताजा ताजा ही प्रोडक्ट देते हैं। ज्यादा मात्रा में जिसको लेना है अपना पहले से ऑर्डर दे दे, छोटा मोटा वाले तो अपना कभी भी ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं जो है। तो इस प्रकार से हमारा कार्यक्रम चलता है प्रोडक्ट बनाने का। नहीं ठीक है, अच्छा लगा। और ये देखिए थोड़ा भैया साइड साइड में दिखाओ, पूरा इनका देखो पैक है, ऐसा नहीं है कि धूल मिट्टी और सब है। आओ अंदर आओ यार। और यहां का ये तो ये है इनका अंदर का प्रोसेस। पहले तो आपका दूध वहां पे स्टोरेज करके फिर आपका अंदर आते हैं भट्टी वगैरह, और सामने आपका चल रहा है भट्टी है भैया। हाँ, ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग रूम है, यहाँ पर प्रोडक्ट बनाया जाता है जी। और यहाँ जो ऑटो सिस्टम लगा हुआ है कराही जी, इसमें इस समय जो है खोया बन रहा है जी, क्योंकि इस समय त्योहार है जी, मार्केट में मांग ज्यादा है जी, मांग ज्यादा है, इसलिए जो है लगातार लंबे समय तक काम चल रहा है। ये देखिए जो है इसमें खोया बन रहा है, हमारे सब लोग हैं इधर, ये लोग आइए इधर आइए। ये खोआ, तो ये खोआ बन रहा है वाला अपना, उसमें भी खोया बन रहा है। लोग यहाँ पर इसको जो है का यहाँ पे काम करते हैं और इस प्रोडक्ट को बनाते हैं बहुत अच्छी तरह जो है ध्यान पूर्वक, सफाई का ध्यान देते हुए ये सब प्रोडक्ट को बनाते हैं, इसको मशीन को ऑपरेटिंग करते हैं, संचालित करते हैं, चलाते रहते हैं। हाँ, ये सब जो है इसके ऑपरेटर है जो है। ये अभी खोआ आपका बन रहा है ना? हाँ, खोआ बन रहा है जो है। पनीर आपका बन गया?
पनीर बन गया है। पनीर का भी तो बनता होगा। हाँ पनीर बनता है, इसमें दूध पकाया जाता है, पनीर जो है दूध उतार के बनाया जाता है सब जो है। हाँ करके इस प्रकार से कार्यक्रम चलता रहता है जो है। ये आपका खोआ तैयार हुआ है, ये शायद आर्डर का होगा भी। हाँ हाँ बना बना के है ना। हाँ ये अभी भी ताजा ताजा बना हुआ है, इसको जो है अभी शाम को जो है सप्लाई दे दी जाएगी जो है। इस प्रकार से चलता रहता है, बहुत अच्छा है सिस्टम। तो किसान मित्रों इसी के साथ विदा लेते हैं, और जो भी भैया को भैया से जो भी लेना होगा, खोआ है, पनीर है, दूध, दही, घी भी आप साथ बनाते हैं? हाँ घी भी बनाते हैं, आज दिखाए आपको, चलें घी बन रहा है आपको दिखाई पड़ रहा है। घी अभी आधा तैयार हुआ है, बन रहा है। तो शुद्ध इनका घी है भैया, देसी घी जिसको बोलते हैं, तो उचित रेट पे भैया से मिल जाएगा। जिनको भी जरूरत होगा भैया से संपर्क कर सकते हैं। तो इसी के साथ विदा लेते हैं, जय जवान जय किसान।